तो चले हम लगातार आपको दिखा रहे हैं दरभंगा डीएमसीएच में किस तरह सुधार हो रहा है। खासकर हमने पहले भी कहा था दरभंगा डीएमसीएच आज भी जूनियर डॉक्टर और पीजी डॉक्टर के बदौलत ही चलता है। दरभंगा डीएमसीएच में इतनी समस्याओं के बावजूद अगर मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसका श्रेय यहाँ के जूनियर डॉक्टरों को ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जूनियर और पीजी डॉक्टर लगातार सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि भर अपने समय के अनुसार कार्य करते हैं और उनके कहने के अनुसार वहाँ की नर्सेस मरीजों को ससमय सुई एवं दवाओं के साथ पानी चढ़ाती हैं। सवाल ये है कि आखिर इतनी समस्याओं के बावजूद दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर किस तरह अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। जहां आप एक घंटा भी नहीं बैठ पाते वहां ये 8-8 घंटा बैठकर मरीजों की सेवा करते हैं। सीनियरों डॉक्टरों से अलग जो सुबह 8 घंटे काम करते हैं, हम बता दें जो एक घंटा डीएमसीएच में नहीं रह पाता है वो 8 घंटा रह करके अपनी ड्यूटी देता है। उनकी भी भावनाओं का समझना है और खासकर बता दें नए अधीक्षक से लगातार हम संपर्क में थे ताकि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन और अधीक्षक की एक वार्ता हो जाए और 3-4 दिन के बाद आज यानी कि मंगलवार को आज डीएमसीएच अधीक्षक ने वार्ता की है। क्या देवाशीष जी क्या क्या बात की आपसे? सेंट्रल इमरजेंसी के इश्यूज़ पे काफ़ी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ भी थे जिस पर पहले भी बात हुई थी, उसको लेकर के सर से काफ़ी पॉजिटिव बातें हुई। सर खुद भी काफ़ी इंथुजियास्टिक थे, काफ़ी सारे जो पुराने प्रॉब्लम्स थी, पार्किंग का प्रॉब्लम, मरीजों को आने वाली समस्याएं, पीने का पानी, बाथरूम जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जो समस्याएं हो रही थी और जो वहाँ भीड़ भड़क का जो असुरक्षा का माहौल वहाँ डेवलप हो रहा था उसके ऊपर में कई सारी बातें हुई और उसके लिए सकारात्मक पहल का आश्वासन भी दिया गया है। और कल विजिट की भी बात हुई है कि कल सर खुद जा करके विभिन्न विभागों में और आकस्मिक विभाग में आ करके जायजा लेंगे और फिर जैसा मूलभूत सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए आगे कार्य किया जाएगा। कहा जाता है कि शौचालय की भी व्यवस्था नहीं होती है, जो दिन रात मेहनत करते हैं ईमानदारी से, जो मरीज आते हैं दुखद परिस्थिति में उनकी जांच करते हैं, उनको देखने के बाद करते हैं, तो क्या लगता है कि शौचालय का क्या क्या बेसिक आप लोगों को दिक्कत है? जरूरी आज हम लोगों ने जितने भी जूनियर डॉक्टर थे जो हमारे नए अधीक्षक सर हैं उनसे मुलाकात करके अपनी प्रॉब्लम जो हॉस्पिटल रिलेटेड है जिसमें हमारी भी समस्याएँ हैं और साथ में मरीज रिलेटेड समस्याएँ हैं, दोनों पर बात हुई हम लोगों की। जहाँ तक बात है पानी की, पानी पीने वाली पानी के लिए हम लोगों ने व्यवस्था के लिए बात की है। जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में वार्ड वगैरह में पानी पूर्ण तरह से पीने वाला नहीं आ रहा है उसके लिए बात की है। और दूसरी शौचालय की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था में हम लोग जो डॉक्टर जो काम करते हैं इमरजेंसी में या फिर वार्ड में उन लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए और साथ में हम लोगों ने मरीजों के लिए जो बाहर इतनी संख्या में बाहर से मरीज आते हैं उन लोगों के लिए भी शौचालय के लिए बात किया है हम लोगों ने। और सर ने इसके लिए हम लोगों को जगह दिया है, कल जाएंगे भी हम लोग साथ मिलकर देखेंगे जहाँ टैंक को सफाई जो पुराना बाथरूम वगैरह उसके लिए कर्मी को भी बहाल करने के लिए और सफाई के लिए भी बोला है सर ने, सारी चीज़ की व्यवस्था होगी। ये एक रूम देने की बात थी जेडीओ को ताकि वो जो है सो मरीजों को सही जगह पहुंचा सके। जी जी, तो ये बहुत ही अच्छी पहल थी ये कि अगर आप कोई भी एक रूम मिल जाए जहाँ से ट्रायज स्टार्ट हो कि ये विभाग जो भी मरीज आया वो किस विभाग का है, कहाँ उसको जाना है, हड्डी में जाना है, मेडिसिन में जाना है, सर्जरी में जाना है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये हो जाए तो अच्छी चीज़ है, सुप्रिटेंडेंट साहब बोले हैं कि ये चीज़ मिलनी चाहिए और मिल जाएगी उम्मीद का। और क्या क्या बातें आप लोग के मन में है? जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे वो सब हमने सर से डिस्कस किया है, एक लिस्ट हमने बना कर दे दिया है, सर ने बोला कि इस पर बात विचार करेंगे और इसे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। डिफेंस डिपार्टमेंट का जो कमी है, कोई किसी इक्विपमेंट नहीं है, कोई मैन पावर कमी है, जो भी इशू है डिपार्टमेंट वाइज हम लोग सुभेंद्र सर से डिस्कशन किए हैं, सर हम लोग को अच्छा आश्वासन दिए हैं कि जल्दी से जल्दी उसको पूर्ति किया जाएगा डिपार्टमेंट वाइज। यही बात की जितना सर बहुत ही कोऑपरेटिव लगे कि हाँ हम लोग की बातों को अच्छे से सुने हैं, बोले हैं कि हाँ आप लोग के हिसाब से ही काम होगा, जो जनता जो पेशेंट आ रहे हैं दूर दूर से उनके लिए भी और आपके लिए भी अच्छे से काम किया जाएगा। तो चले हम बता दें लगातार 7 दिन से दरभंगा डीएमसीएच में हम भी काम कर रहे हैं। जरा देखिए तमाम दरभंगा की जनता को थे एक जूनियर डॉक्टर के प्रति एक नकारात्मक सोच विकसित हो गई थी कि कभी यहाँ मारपीट होती है, अनुशासनहीनता होती है, लेकिन हमने 7 दिन दिन रात रखकर नहीं जूनियर डॉक्टर के बीच काम किया है। इन्हें ये मालूम नहीं होता कि कोई दलाल इनके नाम पर पैसा लेता है। इन्होंने भी कड़ाई से मिथिला मास्टर्स को कहा और अधीक्षक को भी कहा है कि डीएमसीएच परिसर से दलालों को हटाने की कार्य चलाया जाए।
जिसमें अगर कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उसको ड्रेस कोड दिया जाए ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि कौन दलाल है, कौन सरकारी कर्मचारी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। ये डॉक्टर दिन रात मेहनत करते हैं और इन्हीं के बदौलत दरभंगा DMCH में है। कभी आकर इनके साथ आप एक घंटा रह करके देखिए किन परिस्थितियों में दरभंगा DMCH रहते हैं, जहाँ दुर्गंध है, जहाँ पीने के पानी नहीं है, जहाँ जल जमाव है, इस सारी समस्याओं के बीच आपके लिए काम करते हैं। और मिथिला मंच न्यूज, हम हर बात पर इनका समर्थन करते हैं। एक बात खास जाएगा, एक नकारात्मक सोच गई थी, आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव लिया है जनता के लिए, तो क्या आप लगता है कि आप कौन सा बेटर जनता के लिए और क्या आप कर सकते हैं कुछ अलग, जैसे आपके जो देखिए जो भी एक नकारात्मक सोच समाज में है कि हाँ सरकारी अस्पताल है तो यहाँ सुविधाएं नहीं हैं या यहाँ हमें समस्या होती है, कहीं ना कहीं वो सच है, लेकिन लोगों को भी ये समझना होगा कि इन समस्याओं के पीछे सरकार की जितनी जिम्मेदारी बनती है उसमें चिकित्सक खाली हाथ क्या कर सकते हैं। सिर्फ अपना प्रेजेंस रखने से सिर्फ सारा समस्या का समाधान नहीं होगा, दवाएं, मूलभूत सुविधाएं, साफ सफाई, सब कुछ मिला करके एक अच्छा स्वास्थ्य बना। अच्छा, आप लोग ने सभी विभाग में जो मशीनें खराब हैं, जिस पे जांच होती है, जिस पे जो क्या इसका लिस्ट दिया है जो कि सर एक ज्ञापन सौंपा गया है और सर ने कहा है कि सारे विभागीय स्तर से अलग अलग उन सारे जो आज मीटिंग हुई अलग अलग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से भी, उनसे भी ये बात हुई कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट से जो सब जरूरी दवाएं हैं, जो मशीनें हैं जो खराब हैं, उनका या तो समय से निवारण किया जाएगा या फिर नई नए उपकरणों का खरीद किया जाएगा। तो चले, हमें लगता है कि आज ये पहल बहुत ही अच्छी है और ये पहल निश्चित तौर पर दरभंगा DMCH की तस्वीर बदल देगी, क्योंकि नए अधीक्षक का भी कहना है कि अगर जहां कमी है उस कमी को दूर करने का प्रयास करें और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन और DMCH अधीक्षक मिलकर निश्चित तौर पर गरीब जनता और गरीब मरीजों के लिए कार्य करेंगे ताकि दरभंगा और पूरे बिहार में DMCH का एक नया संदेश जाए। धन्यवाद। मिथिला मंच न्यूज ने लगातार पहल की थी कि दरभंगा DMCH के नए अधीक्षक की बैठक जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के साथ हो और उनकी समस्या भी अगर सुनी जाए तो हमें लगता है कि मरीजों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान हो सकता है। खासकर दरभंगा DMCH की सूरत बदल रही है। यह है दरभंगा DMCH का सर्जिकल OPD, जहाँ पहले गंदगियों का अंबार रहता था वहाँ अब सजे सजाए बिस्तर, नर्सिंग होम की तरह और साफ सफाई। इसे लगता है कि DMCH अधीक्षक भी कुछ करने की सोच रहे हैं और जूनियर डॉक्टरों ने सबसे बड़ी आस्था भी व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि अधीक्षक के साथ मिलकर दरभंगा DMCH की न सिर्फ सूरत ही बदलेंगे बल्कि आने वाले हर मरीज की सुविधा के लिए बेहतरी से कार्य करेंगे। चलिए, अभी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के जो आए थे डॉक्टर्स, उन्होंने बात किया, उनसे भी हमने बात किया, उन्होंने कहा कि इस बार अधीक्षक की पहल बहुत ही अच्छा है और हम लोगों को एक नए वातावरण में कार्य करने का इच्छा भी होगा और हम लोग कार्य भी करेंगे। हमें लगता है कि DMCH की स्थिति बदल सकती है और अभी जो बैठक हुई है उन लोगों ने अपना रखा है। अभी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण आए हमसे मिलने और उन्होंने अपने अपने जगह की समस्या रखी और उस समस्या के साथ साथ कुछ सुझाव भी उन्होंने दिया। सबसे पहले शुरू करते हैं आकस्मिक विभाग से। आकस्मिक विभाग में बहुत सारी कमियाँ हैं, जैसे जो आते हैं मरीज तो जो रिसेप्शन है उस पर एक ही स्टाफ हमारी है जो कि 8 से 2 रहती है, उसके बाद कोई नहीं रहते वहाँ पर, उसका रिक्त है स्थान इसलिए कोई नहीं रहता। इससे क्या होता है कि जितने भी मरीज आते हैं वहाँ पर उन्हें ये नहीं पता रहता है कहाँ जाना है और किन से दिखाना है, कहाँ मिलना है, इसका लाभ कुछ दूसरे लोग उठा लेते हैं। तो हमने वो उन्होंने प्रपोजल दिया कि एक ट्रायल्स रूम वहाँ बना दें जिसका जगह भी उन्होंने चिन्हित किया है, जिसमें कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे तीनों पालियों में, तीनों शिफ्ट में रहेंगे और वो मार्गदर्शन करेंगे कि मरीजों को कहाँ जाना है, किन से दिखाना है। कभी मेडिसिन का केस सर्जरी के पैसे ले जाते हैं, सर्जरी का केस मेडिसिन में चले जाते हैं, उतना समय जो जाया होता है वो नहीं होगा। उससे पहले एग्जामिन करके वो देख लेंगे कि इसको कहाँ भेजना है, तो मेडिसिन वाले के यहाँ भेजना है तो मेडिसिन की प्योरिटी देखेंगे, सर्जरी वाले के पास भेजना है सर्जरी की प्योरिटी देखेंगे, ऑर्थो ENT, जहाँ भी भेजना है वहाँ से वो भेज देंगे और गाइड भी करते रहेंगे, जिससे कि वहाँ पर एक केओस तरह का हो जाता है, मरीजों का बयान हो जाता है तो उसको देखभाल वही करेंगे। उन्होंने अपने तरफ से पहल की है तो हमने भी कहा है कि ये बहुत ही अच्छा आपका पहल है और हम इसमें सहयोग करेंगे। हमने उन्हें कहा भी है, अपने हम डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को कहा है कि जगह चिन्हित करके वो जगह उपलब्ध कराइए जो ऐसे पड़ा हो जिसका कोई अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, इसी जगह चिन्हित करके दीजिए और ये अपने तरफ से वहाँ देख रहे हैं। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जितने भी वहाँ DMCH के स्टाफ है
उनका एक ड्रेस कोड हो, उनका एक पहचान चिन्ह हो। पहचान चिन्ह तो बहुतों के पास है, जिसके पास भी नहीं है मैं उपलब्ध कराऊंगा, और ड्रेस कोड के लिए मैं कहूंगा कुछ अप्रैन या कुछ भी तरह का, ताकि समझ में आए कि वो DMCH के ही लोग हैं, बाहरी लोग नहीं हैं यहाँ। तो इससे ये मदद मिलेगी उनको और गाइड करने में भी सुविधा होगी। दूसरी बात, हमने ये भी सोचा कि, और हमारा MCI भी कह रही है कि वहीं पर रिसस्टेशन रूम होना चाहिए, तो जिसमें कि मरीज को तुरंत वहाँ देखा जा सके और त्वरित कार्रवाई की जा सके। बहुत बहुत के लिए 2 मिनट 1 मिनट भी मुश्किल होता है, अगर उतने दिन में उसे सहायता मिल गई तो शायद वो बच जा सकता है। तो हम लोग उसके लिए भी एक रूम चिन्हित करने के लिए कहा है कि देखिए उस जगह में, और हमें एनेस्थीसिया वाले लोगों का, डिपार्टमेंट के लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, इंस्ट्रूमेंट से लेकर के वहाँ डॉक्टर का, जिससे कि हम वहाँ रिसस्टेशन रूम इस्टेब्लिश कर सकें। तो वो होने का है, उसे मैं कराऊँगा। वहाँ एक्सरे होना बहुत ही ज़रूरी है, कहने के लिए तो 2 एक्सरे मशीन है, एक बहुत बरसों से खराब पड़ा हुआ है और दूसरा शायद नया लगा था, लेकिन वो पानी का जल जमाव हो जाने के कारण, वो सर्किट खराब होने के कारण अभी फंक्शन में नहीं है, कारशील नहीं है। तो उसके उसमें हम सोचा है कि उसे हाइट पर थोड़ा डाल करके नीचे से ऊंचा करके, और तब उसका उसका संचालन वहीं से हो सके, तो निश्चित रूप से मरीज के हित में बेहतर होगा। तो इस दिशा में मैं कदम उठा रहा हूँ ताकि वो एक्सरे वहीं से संचालित हो सके। तीसरा, उन लोगों की बहुत बड़ी समस्या है पेयजल की और शौचालय की, जो वहाँ नहीं है, जो है भी वो कार्यरत नहीं है। वैसे तो मैंने सभी जगह पर जहाँ पर शौचालय है उसके टैंक की सफाई के लिए जो उसका शुल्क है 1,000 रुपये प्रति टैंक मैनुअल से करने के लिए नगर आयुक्त को मैंने चेक दिया है, वो सफाई कर देते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारी समस्या शौचालय की ठीक हो जाए, फिर भी जितना है वो कम है, मरीजों के लिए या उसके परिजनों के लिए बिल्कुल ही नहीं है। तो हम लोगों ने एक जगह चिन्हित किया है जो वहाँ से आपका इमरजेंसी से मेडिसिन की तरफ जो जाता है क्लिनिशियन के चैम्बर की तरफ, तो बाएं और दाएं दोनों तरफ काफ़ी स्पेस है। बाएं वाला जो स्पेस है उसमें एक हम मरीज या उसके परिजनों के वेटिंग हॉल के रूप में एक फैब्रिकेटेड हॉल बनवा रहे हैं, जिसमें कि वॉशरूम भी रहेगा और पंखा वंखा की व्यवस्था रहेगी। और दाहिने तरफ वो काफ़ी घास पर काफ़ी ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसे मैंने सफाई कर्मियों का उसे साफ़ कर दीजिए, वो साफ़ हो भी जाएगा। तो उससे उस जगह पर उन लोगों ने राय दी कि सर यहाँ पर अगर सुलभ शौचालय टाइप का हो जाएगा पे एंड यूज़, तो उससे काफ़ी फायदा होगा और उसके संचालन में रख रखाव में भी मदद मिलेगा। हमें ये प्रस्ताव अच्छा लगा, हमने इसे स्वीकार किया है, चाहे वो कोई स्वयंसेवी संस्थान की तरफ से हो या फिर हम इससे जो बना रहा सुलभ शौचालय उससे भी मैं आग्रह करूँगा कि जगह को देखें। वहाँ पर 6 या 4 बन जाता है अगर महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, तो ये मरीज और परिजनों को बहुत बड़ी समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उससे भी छुटकारा मिलेगा, और वहाँ पर जिसके लिए वो इधर उधर भटकते हैं वो मिल जाएगा। तो ये प्रस्ताव को भी हमने स्वीकार किया है, उसके दिशा में उसे सत्कार करने के लिए, उसे अंजाम देने के लिए मैं जो भी उपाय होगा करूँगा। और उसे माइकिंग की बात, माइकिंग अब रही माइक, वहाँ से माइकिंग की बात, तो माइकिंग की बात है कि जो मरीज को बताया जाएगा जो व्यवस्था वो कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके ट्रायल चैम्बर तक भी नहीं पहुँच सके, तो वो माइक से अनाउंस करेंगे कि इस तरफ वो चैम्बर है। अच्छा, एक बात तो वो माइक की व्यवस्था की जाएगी, और एक और था कि उन लोगों ने जो मेडिसिन OPD हम लोग बोल देते हैं कि मेडिसिन वाले में चले, वो मरीज का आदमी तो नहीं जानते रहता है कि मेडिसिन की जा रहा है सर्जरी। तो उसमें हमने कहा है कि पेंट करके उसको कमरा के मेडिसिन के कमरा के नाम पर 22, 23, 1, 2 जो लिखना है वो जो उसको क्रमबद्ध करके लिखा जाए, ताकि हम कह सकें कि आप 2 नंबर कमरे में चले जाइए, आप 4 नंबर कमरे में चले जाइए, जिससे कि वो समझ जाएगा कि 4 लिखा है तो वहीं जाएगा, वो मेडिसिन और सर्जरी वो नहीं समझते रहते। तो उस तरह की व्यवस्था भी हम लोग करने जा रहे हैं। और दूसरा है कि पेयजल का कुछ लोग बॉटल में लाते हैं, लेकिन मरीजों के लिए, परिजनों के लिए फिर उसका ये है, तो उसके लिए पेयजल की व्यवस्था करने का हम लोगों ने जगह चिन्हित करने का सोचा है। हम वो RO का कुछ पानी हो सके या फिल्टर्ड वाटर हो सके या चापाकल से हो सके, उस परिसर में मैं मरीज और परिजनों के लिए और डॉक्टरों और सिस्टर जितने भी लोग वहाँ हैं उनके पेयजल का भी इंतजाम मैं करूँगा, ताकि उन लोगों का भी वातावरण इतना अच्छा हो जिससे भी वहाँ पर बातचीत हो सके और वो लोग भी अपने काम का संचालन ढंग से कर सके।
जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, दरभंगा डीएमसीएच अपने नए स्वरूप में आता रहा है। खासकर प्रत्येक दिन ओपीडी में 1800 से 2400 तक के मरीजों की संख्या ये बता रहा है कि दरभंगा डीएमसीएच में कुछ न कुछ तो सुधार हो रहा है। सुबह 8 बजे से ओपीडी में लंबी लाइनें इस बात का सूचक अवश्य है। खासकर सीनियर डॉक्टरों के अभाव की वजह से कुछ कमी तो खटकती है, लेकिन जूनियर डॉक्टरों ने दरभंगा डीएमसीएच को संभाल रखा है और खासकर उनके बल पर ही दरभंगा डीएमसीएच है। लेकिन उनकी समस्याओं को भी गंभीरतापूर्वक समझना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मछली।